अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फातिमा ड्रीम स्टाइलिंग। कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ट्राउज़र में इलास्टिक डालने का तरीका शेयर करूंगी। ये ट्राउज़र स्टिच किया हुआ है, तो व्यूवर्स पहले आपने एक स्टिच ट्राउज़र की बेल्ट की मेजरमेंट ले लेनी है कि वो इलास्टिक कितना खुला होना चाहिए। तो इसके साथ आपने इसकी मेजरमेंट करते हुए आपने 1.5 इंच ज़्यादा रखना है। तो ये 1.5 इंच जो है, ये जब हमने एक दूसरे के ऊपर इलास्टिक को रख कर फोल्ड करना है तो उसके लिए हमें इतना स्टिचिंग में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने इलास्टिक को फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए स्टिच कर लेने हैं। दोनों को ज्वाइंट कर लेंगे सिलाई की मदद से ताकि अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ अटैच हो जाए। और फिर मैं आप लोगों के साथ कम्प्लीटली मेथड शेयर करूंगी कि आपने किस तरह से इलास्टिक डालना है। ये बहुत ही ईजी मेथड है। पहले भी मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ ट्राउज़र में इलास्टिक डालने की वीडियो शेयर की थी, लेकिन ये उससे डिफरेंट है। इसमें हमने क्या करना है, साथ साथ ट्राउज़र पे सिलाई लगानी है। यहाँ पे आपने इलास्टिक की स्पेस रख के साथ आपने अलग से सिलाई लगानी है कि इलास्टिक के ऊपर सिलाई ना आए। थोड़ा सा कपड़ा जो है वो इजाफी रखना है। तो ये सिलाई जो है ये ट्राउज़र इलास्टिक के ऊपर नहीं आएगी, बल्कि उसके साइड पे आएगी बिल्कुल साथ साथ। तो यहाँ पर जब भी आपने इलास्टिक को आगे से सीधा करते जाना है और डालते जाना है, तो आपने जो है मशीन की सुई नीडल पार्ट जो है उसको कपड़े के अंदर ही रखना है, उसको बाहर की तरफ नहीं निकालना। जहाँ पे आपने मशीन स्टॉप करनी होगी, नीडल पार्ट को आपने अंदर साइड पे रखना है ताकि हमारी सिलाई जो है वो इधर उधर मूव ना करे। तो व्यूअर्स, इस तरह आपने इसको कम्प्लीटली स्टिच करना है। ये बहुत ही ईजी मेथड है। इस तरह अगर आपने फर्स्ट टाइम इलास्टिक डालना स्टार्ट करना है, पहले आपने कभी ट्राउज़र में इलास्टिक नहीं डाला, तो आप डाल सकते हैं। और इसी मेथड से आप छोटे बच्चों के ट्राउज़र्स और कैप्रीज वगैरह में भी इलास्टिक डाल सकते हैं। तो ये बहुत ईजी मेथड है। आई होप आपको ये समझ आ जाएगा। इसमें कुछ भी मुश्किल काम नहीं था। तो जस्ट सीधी सिलाइयाँ लगानी है और इलास्टिक की मेजरमेंट किस तरह करनी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। आपने फैब्रिक को देखना है कि फैब्रिक कहीं से हमारी इकट्ठी ना हो रही हो। जहाँ से इकट्ठी होने का चांस आपको लग रहा है, वहाँ पे आपने थोड़ी सी इसमें प्लेट्स डालते जाना है ताकि वो एक जैसा फैब्रिक बचे। एंड पे जाके हमारे पास लोअर पार्ट या अपर पार्ट में फैब्रिक ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप जहाँ पे ट्राउज़र की साइड वाली सिलाई से मेजरमेंट देखते जाएं कि कहीं से कपड़ा ज़्यादा तो नहीं हो रहा। जहाँ ज़्यादा लगे वहाँ आपने साथ ही चूनट्स उसमें डाल देनी है या फिर प्लेट्स डाल देनी है। तो व्यूअर्स, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो व्यूअर्स, कमेंट्स में आप ज़रूर बताया करें कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। तो इसके अलावा भी मैंने स्टिचिंग की काफ़ी वीडियोस अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। आप विज़िट कर सकते हैं मेरे चैनल का, बच्चों की ड्रेसिंग के हवाले से भी और यंग गर्ल्स लेडीज़ के ड्रेसिंग की वीडियो भी मेरे चैनल पर काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं, तो आप उनका ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो व्यूअर्स, इस तरह हमने ये सिलाइयाँ लगाकर इसको कंप्लीट कर लेना है और साथ साथ हमने इलास्टिक को जो है बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। जो चूनर्स वाला कपड़ा होगा, क्योंकि फैब्रिक ज़्यादा थी और इलास्टिक जो था वो छोटा था, उससे हाफ पार्ट में इलास्टिक होते हैं, तो आपने कपड़ा जो फोल्डिंग वाला कपड़ा था उसको आपने साथ साथ हाथ से सीधा करते जाना है और बिल्कुल उसको पीछे कर देना है। तो स्ट्रेट पट्टी रख के इलास्टिक डालेंगे तो बहुत इजीली इलास्टिक पूरे ट्राउज़र में डाल जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे बिल्कुल ख्याल से मैंने आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप वीडियो शेयर की है ताकि कोई भी स्टेप आप मिस ना हो सके, आपको ट्राउज़र में इलास्टिक डालना इजी हो। बहुत फास्ट भी मैं बना सकती थी लेकिन उसमें आपको समझ बिल्कुल भी नहीं आनी थी, इसलिए मैंने स्लो स्लो उसको बनाया है ताकि आप देख सकें। ये देखें व्यूवर्स, मैंने ट्राउज़र में इलास्टिक कंप्लीट कर लिया। आप इसके सेंटर पार्ट को रखते हुए आपने चूनर्स जो है वो बिल्कुल सेट कर लेनी है।
सो व्यूवर्स, अब इलास्टिक जो है कम्प्लीट हो चुकी थी, चुनर्स भी मैंने बैलेंस कर ली थी, तो अब जो है मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट करती जाऊंगी साथ साथ और सिलाई लगाती जाऊंगी। यहाँ पे जिस तरह मैंने इसकी डायरेक्शन रखी है कि ट्राउज़र के अंदर वाली साइड से आपने इलास्टिक की सिलाई लगानी है, तो इस तरह ही आपने डायरेक्शन रखनी है। इस तरह बिल्कुल आपकी फैब्रिक जो है वो इक्वल आएगी, कहीं से भी ज़्यादा या कम नहीं होगी। तो व्यूअर्स, ये बहुत इजी मेथड है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए मैंने सिलाई भी लगा ली है, ट्राउज़र में इलास्टिक जो है वो कम्प्लीटली डाल लिए हैं, तो जो इजाफी थ्रेड होंगे वो अपने साथ साथ कटिंग कर लेने हैं। ये हमारी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको ये मेथड अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।